नमस्कार, मैं गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच स्टूडियो में डॉक्टर नीति दत्ता मौजूद हैं। डॉक्टर नीति दत्ता मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज डॉक्टर दत्ता हमारे साथ अधिगम का संप्रत्यय एवं प्रकृति विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अधिगम शब्द, क्योंकि आज का विषय ही है अधिगम का संप्रत्यय एवं प्रकृति, तो अधिगम शब्द का क्या अर्थ है, क्या हम उसे समझ सकते हैं, इस विषय पर आप थोड़ी रोशनी डालें। जी सर, धन्यवाद। देखिए, अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको सीखना, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आप ये काम सीखिए। जी, जब बच्चा विद्यालय में आता है, अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा में कदम रखता है, तो ये ऐसा कोरा कागज़ नहीं होता। बच्चा बहुत कुछ पहले से सीख के आता है, उसके अपने अनुभव, उसने अवलोकन के माध्यम से कुछ सीखा हुआ होता है, उसने स्वयं अपने अनुभव से कुछ सीखा हुआ होता है। वो सारे क्रियाओं को लेकर के, सारे अनुभवों को लेकर के बच्चा स्कूल में आता है। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में जब बच्चा कदम रखता है, तो यही सीखना, अधिगम हम उसको नाम दे देते हैं, क्योंकि अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में स्थायी रूपांतरण। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने अपने तरीके से सीखते हैं। जी, कुछ बच्चे प्रकृति के सानिध्य में बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। जी, अनुकरण से सीखते हैं। बच्चा जब स्कूल में आता है, अपने माता पिता को देख करके, अपने अध्यापक को देख करके बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। आपने बचपन में देखा होगा, बचपन से ही छोटे से बच्चे को आप देखें कि अगर कोई कीड़ा उसके सामने से निकलता है और उस कीड़े का उसका पूर्व अनुभव नहीं है, तो वो उसको, चींटे को, कोई भी कीड़ा होगा, क्योंकि उसको उसके बारे में अभी उसने कुछ अपनी एक इमेज नहीं बनाई हुई है, तो वो क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। डरता नहीं है बालक उससे, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ने के प्रयास में जब वो कीट उस बच्चे को काट लेता है, तब उसका ये क्या हुआ, अनुभव हुआ, ये उसने सीखा कि ये कीड़ा मुझे काट भी सकता है, और यही उसका व्यवहार में परिवर्तन बन जाता है। और दोबारा जब वो कीड़ा उसके पास से निकलता है, तो वो अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता है, ना कि उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। माँ जितना भी समझाती रहे कि आग गर्म होती है, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, लेकिन बच्चे की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो जलती हुई लौ को देख करके पकड़ता है। और माँ मना करती है, लेकिन उसके माँ का जो मना करने का जो प्रयास है, वो भी विफल हो जाता है, जब तक कि वो पहली बार लौ को स्वतः छू नहीं लेता। जब प्रथम बार उसने लौ को छुआ और लौ उसको गर्म लगी, उसको जलन हुई, उसका हाथ जला, तो उसको एहसास हो गया कि ये जो जलती हुई वस्तु है, जलता हुआ पदार्थ है, ये क्या है, आग है, इसलिए मुझे इसको दोबारा स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बार आप बच्चे के आगे हरी मिर्च रखिए, बच्चे को, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसने उसको सीखा नहीं है कि ये क्या है, कड़वा है, तीखा है, उसको वो हरी मिर्च भी खाने का प्रयास करता है। उसको इस बात से कोई भी अभी भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि ये हरी मिर्च खाली खाने की वस्तु पदार्थ है या नहीं है, नहीं है। वो उसको खाने का प्रयास करता है। जब उसको मिर्च लगती है, तो दोबारा वो उसको देखने का भी नहीं और दूर से ही हटा देने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन हुआ, स्वयं उसने अधिगम किया। इसी को हम मनोवैज्ञानिक भाषा में हम कह देते हैं अधिगम। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को अधिगम कहते हैं, लेकिन ये दो प्रकार से, जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि कुछ चीज़ें हम स्वाभाविक रूप से हम पहले से सीख करके आते हैं, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अधिगम के कुछ प्रकार भी होते हैं। जी जी, तो उन प्रकारों पे थोड़ी सी रोशनी आप हमारे दर्शकों पर डालें। जरूर सर जी। देखिए, कुछ क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि बालक जब जन्म लेता है, तो स्वतः अपने आप, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है,
वो अपने आप उठने लगता है जी, अपनी गर्दन उठाने लगता है, चलने लगता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर अपने आप चलने लगता है। खाना बच्चे को कोई नहीं बताता कि मुख कहाँ है, मुख में ही खाना खाना है, लेकिन स्वतः खाना उसके मुंह में ही चला जाता है। जब उसको भूख लगती है तो वो मुंह ही खोलता है कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनको मनोवैज्ञानिक भाषा में अनर्जित क्रियाएं कहते हैं। तो दो प्रकार से अधिगम हम करते हैं, एक अनर्जित क्रियाएं और दूसरी अर्जित क्रियाएं। अनर्जित क्रियाएं अधिगम नहीं कहलाती, लेकिन जो अर्जित क्रियाएं हैं, जैसे कि किसी भाषा विशेष को सीखना, जिस व्यक्ति ने कभी भी स्कूल नहीं गया, कभी भी उसने विद्यालय नहीं किया गया, लेकिन उसको बोलना आता है, तो बोलना क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि भाषा का ज्ञान, बोलना, उसको अपने घर से, परिवार से, समाज से जो भाषा उसने सुनी वो उसको उसने बोलना सीख लिया जी। लेकिन भाषा का व्याकरणात्मक ज्ञान क्या है, भाषा कैसे लिखी जाती है, भाषा का सुंदरीकरण कैसे किया जा सकता है, ये अर्जित ज्ञान है। और इसी अर्जित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तैराकी, हो सकता है कि किसी बालक को स्वाभाविक रूप से तैराकी आ जाए, लेकिन तैराकी के जो गुण हैं, तैराकी की जो क्रियाएं हैं, तैराकी के जो विभिन्न प्रकार के किस्में हैं, वो अर्जित हैं। इसी तरीके से कला, कोई भी पेंट ब्रश चला सकता है, लेकिन किस तरीके से, अगर हम चित्रकला सीख रहे हैं तो चित्रकला में किस तरीके से हम पेंट ब्रश को चलाएं, कैसे हम आकृतियों में रंग भरें, कितना हम शेड दें, ये कैसे आएगा? ये अभ्यास से आएगा। हम ये कह सकते हैं कि कैसे हम सुंदर चित्र का निर्माण कर सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं, तो चित्रकला की बारीकियों को हम कैसे समझेंगे, ये क्या होगा? अर्जित ज्ञान होगा। और इसी अर्जित ज्ञान को हम क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में? अधिगम कहते हैं। वाद्य यंत्र का अभ्यास, वाद्य यंत्र कोई भी हो, वाद्य यंत्र अगर आप रखा है, आप उस पर हाथ चला रहे हैं, तो वो अधिगम नहीं है। अधिगम तब है जब हम वाद्य यंत्र को सही तरीके से नियमों के अनुसार बजाएं और उसको सही तरीके से लय, ध्वनि, ताल के हिसाब से जब हम बजाते हैं, तो वो अर्जित ज्ञान किसी वाद्य यंत्र का, किसी कला विशेष का, किसी भाषा विशेष का, जिस तरीके से अर्जित ज्ञान किया गया, इस अर्जित ज्ञान की सीखने की प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहलाती है। अगर इसको हम लोग इस उदाहरण से स्पष्ट करना चाहें कि चलना जी, चलना बच्चों के शारीरिक अंगों की परिपक्वता पर निर्भर करता है जी। जैसे जैसे बच्चों के शारीरिक अंग परिपक्व होते जाते हैं, सक्षम होते जाते हैं, बच्चा पहले घुटनों के बल, फिर खड़े होना, फिर चलना सीख लेता है जी। तो ये अधिगम नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। लेकिन कैटवॉक करना जी, इसे हमें सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे किसी अच्छे मॉडल के सानिध्य में रह के या किसी गुरु के सानिध्य में रह के हमें सीखना पड़ता है कि हमें कैसे रैंप पर या स्टेज पर हमें कैसे चलना है जी। तो इसको हम अर्जित क्रिया कह सकते हैं और यही हमारा अधिगम कहलाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि बच्चा औपचारिक शिक्षा से अनौपचारिक शिक्षा में प्रवेश करता है जी। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में जो सामान्य से अंतर है जी, जी, वो बता दें जी। जी सर, देखिए अनौपचारिक शिक्षा कि बच्चा जब पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी माँ से कुछ बातें सीखता है, कुछ बातें अपने पिता से सीखता है, कुछ बातें अपने समाज से सीखता है, उसकी माँ उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ बातें समझाती है। ये उसने क्या सीखा? उसकी माँ जिस प्रकार से किसी के आने पर घर में व्यवहार करती है, ये क्या कर रहा है? वो अनौपचारिक रूप से अवलोकन करके सीख रहा है। यहाँ उसको ये नहीं कहा जा रहा कि छोटे बच्चे से कोई नहीं ये कहता कि माँ ने किसी के आने पर इस तरीके से पानी दिया, इसलिए तुम्हें भी देना चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा अपनी माँ को उसने क्या किया? प्रत्यक्षता देखा, अवलोकित किया, अवलोकन किया, और इसी अवलोकन से उसने ये सीखा कि मुझे भी किसी के आने पर माँ की तरह पानी देना चाहिए। कोई घर में मेहमान आया, माँ ने उसका अभिवादन किया, पिता ने उसका अभिवादन किया, उसको बैठने के लिए कहा, ये बच्चे ने बिना माँ और पिता की जाने बगैर अनभिज्ञता हुए ये सारी चीजें उसने स्वतः सीख ली। यहाँ पर उसको कुछ सिखाया नहीं गया जी। लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ हुआ। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे
जो समाज के जो माहरीन हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार बल्ला पकड़ा जी तो वो स्वाभाविक था जी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता जी, धोनी ने शतक जमाया जी, तो ये शतक और रिकॉर्ड जो ये बनाए गए ये क्या है? अर्जित है, अर्जित है, ये अर्जित है, ये इन्होंने मेहनत और अभ्यास दर अभ्यास से ये अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करके इन कला कौशल का ज्ञान अर्जित किया और अपने अपने क्षेत्र में क्रांति लेकर के आए। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जितने भी समाज के प्रमुख लोग हैं, लता मंगेशकर कोई भी गाना गा सकता है, गाना गाना कोई बहुत एक स्वाभाविक क्रिया है, हर व्यक्ति गुनगुना सकता है, बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर की तरह गाना गाना या किसी और की तरह गाना गाना, हम कह देते हैं कि फला व्यक्ति तुम तो लता मंगेशकर की तरह गाते हो, लेकिन वो लता मंगेशकर नहीं हो गया। तो लता मंगेशकर ने जो अपने क्षेत्र में ज्ञान हासिल किया है, जो अपनी एक पहचान हासिल करी है, वो अर्जित करी है जी। वो स्वाभाविक नहीं थी, नहीं थी, उन्होंने उसमें रियाज किया, अभ्यास किया, जिसकी वजह से वो एक अच्छी सिंगर बन सके, अच्छी गायिका बन सके। किरण बेदी कोई आईपीएस ऑफिसर स्वाभाविक रूप से नहीं बन गया, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए किरण बेदी ने उस दिशा में प्रयास किया, उस दिशा में प्रयास किया और उस प्रयास के फलस्वरूप उसको सफलता मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम अनर्जित और अर्जित दो तरीके से होता है। अनर्जित अधिगम अनौपचारिक रूप से होता है, स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अर्जित अधिगम हम अभ्यास दर अभ्यास से वक्त के साथ साथ उसमें तराश करके, उस कला को तराश करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसको अर्जित अधिगम कहते हैं, और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगर हम लोग इसको सामान्य शब्दों में समझना चाहें, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सरल शब्दों में समझना चाहें, तो क्या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि औपचारिक अधिगम विद्यालयी शिक्षा या उच्च विद्यालयी शिक्षा, जो कि एक निश्चित स्थान में निश्चित समय अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें कड़ी मेहनत एवं अभ्यास की जरूरत होती है, और अनौपचारिक शिक्षा वो है जो बच्चा अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, अपने वातावरण में अवलोकन के द्वारा स्वाभाविक रूप से सीख लेता जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। औपचारिक शिक्षण तो विद्यालय में ही, और एक जिसको कहते हैं क्लोज्ड वातावरण में, एक जो वातावरण पहले से बनाया गया है, उस वातावरण में जो अधिगम होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अब अधिगम की विशेषताएं क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि अधिगम हो गया जी, तो जी। इन विशेषताओं पर आप थोड़ी से रोशनी डालें, और साथ ही साथ उसकी प्रकृति क्या है जी, जरूर, क्या उसका स्वरूप है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं जी। जरूर सर, देखिए जैसा कि हमने देखा जी, पहले चर्चा करी हम लोगों ने कि जो हम ज्ञान और आदत अर्जित कर रहे हैं वो अधिगम कहलाती है। इसी को क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने परिभाषित किया है कि अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है जी। अर्थात कि अधिगम जो है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो हमारी आदत और हमारा ज्ञान और अभिवृत्ति को हमने अर्जित किया तब वो अधिगम हुआ, इसी को कहते हैं। इसी तरीके से हिलगार्ड ने परिभाषित किया है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है जी, या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया जाता जी। है। देखिए अधिगम का साधारण और बहुत ही सामान्य शब्दों में हम जिसको कहें कि उसमें वांछित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में वांछित अनुकूलित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है जी। इसी तरीके से एनलमन ने अधिगम को परिभाषित किया है, उनका कहना है कि सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी और प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। देखिए दो शब्द हैं, स्थायी और प्रगतिपूर्ण, कि जो सीख रहा है उसमें व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो स्थायी हो रहा है, और स्थायी के साथ साथ प्रगतिपूर्ण,
सचिन तेंदुलकर ने बल्ला पकड़ना सीखा, खाली सीखा ही नहीं, यही परिवर्तन नहीं है, लेकिन उस बल्ले से उसने रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाए, प्रगति की तरफ आगे बढ़ा, ये उसका तब लगातार उन्होंने अपने क्रिकेट की जो कला है उसमें लगातार निखार लाए, लगातार तराशते रहे और वो किससे हुआ, अपने अभ्यास से हुआ, ये प्रशिक्षण या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष में होता है। इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, एक अगर हम साधारण टीचर की ही बात करें, अगर शिक्षण की ही बात करें, तो शिक्षण में ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, कोई भी व्यक्ति पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को देख करके कैसे पढ़ाया जाए। हमारे क्लासरूम में, हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके कैसे पढ़ाया जाए, ये किसके माध्यम से संपन्न होगा, प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ये हमारे डीएलएड के बच्चे भी जो हैं, ये डीएलएड कोर्स करने के बाद इनके किस में निखार आएगा, इनके शिक्षण में निखार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो प्रगतिपूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये उसके फलस्वरूप आएगा। इसलिए सीखना यानी कि अधिगम किसी स्थिति के प्रति, किसी भी विषय के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखने से पहले और सीखने के बाद हुए परिवर्तन, जो परिवर्तन आया, हम उसी को अधिगम कहते हैं। तैराकी आती थी, ठीक है, तैराकी आती थी, कोई भी बच्चा जो नदी तालाब में नहाने जाते हैं उनको तैरना आ जाता है। लेकिन एक मछुआरे के बच्चे से कहा जाए उसको तैरना आता है, तैरना कोई उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि स्विमिंग पूल में इतने मीटर तैराकी और इस स्टाइल में तैराकी, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, तो शायद वो बच्चा उस चीज से अनभिज्ञ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त तैर तो सकता है, तैर सकता है, लेकिन वो उसमें उस तरीके से अपने आप को, अब वो बटरफ्लाई और ये फ्री स्ट्रोक ये सब उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए सीखने से पहले और सीखने के बाद आए हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। अब आपने बात करी थी कि सीखने के अधिगम की विशेषताएं क्या जी। तो ये जो हमने अभी आपको परिभाषाएं बताई जी, जी। इन परिभाषाओं से ही अधिगम की विशेषताएं हम निकाल सकते हैं जी। जैसे कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत या प्रशिक्षण विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अर्थात ये ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो हमारा पुराना व्यवहार है जी। उसमें हम परिवर्तन कैसे लाएंगे, प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन यानी कि लाएंगे। प्रशिक्षण का होना यहाँ आवश्यक है। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा है क्लासरूम में, जब बच्चे पहली बार स्कूलों में आते हैं तो रोते हुए आते हैं जी। ठीक है ना, हर बच्चा घर से जब आता है तो रोता हुआ आता है। ठीक है, लेकिन जैसे जब वो कक्षा में बैठता है, टीचर जो अध्यापिका है, इसीलिए जो अध्यापिका को कहा जाता है कि दूसरी माँ है, कि वो बच्चों को क्लासरूम में उस प्यार से, उस अपनेपन से उनको बैठना सिखाती है, तो वो उनको घर से दूर आने में जो उनका एक पहले रोते थे फिर इसके बाद हंसते हुए आते हैं, ये व्यवहार में उनके मूलभूत परिवर्तन आ गया जी। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या लंबे अंतराल तक के लिए परिवर्तन जी। ठीक है, दो चीज़ें हैं, लंबे अंतराल तक अधिगम में बहुत ज़रूरी है कि हम बार 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 अभ्यास करते रहे। यदि हम अधिगम में अभ्यास नहीं करते हैं तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है जी, सीखने की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ का अभ्यास ना करे जी, तो एक लंबे अंतराल के बाद जब वो काम करने के लिए जाएगा तो मुझे लगता है या तो होता ही है, थोड़ा थोड़ा विस्मृत होता है, विलुप्त होने लगता है, और उसको उस काम में करने में थोड़ी सी तब परेशानी सी होती है। तो इसीलिए स्थायी परिवर्तन या लंबे अंतराल तक को परिवर्तन व्यवहार में अधिगम की एक विशेषता है जी। अगली विशेषता है कि अभ्यास और अनुभव जनित व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे कि आपने कैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कोई बीमार है जी, और उसके व्यवहार में अगर वो परिवर्तन है, चिड़चिड़ा हो रहा है या कोई काम नहीं कर पाया, जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा इस क्लासरूम में कि कभी तो वो फर्स्ट आते हैं लेकिन कुछ टेस्ट में उनके नंबर कम आए, तो वो पीछे का कारण जानना ज़रूरी है कि क्या ये अधिगम में कमी है जी, या उसकी बीमारी या उसकी थकान या उसके घर की कोई परिस्थिति ऐसी हुई जिसके व्यवहार स्वरूप उसके
व्यवहार में परिवर्तन आया, तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा, बीमारी या थकान के फलस्वरूप जो व्यवहार परिवर्तन होता है, हम उसको अधिगम बिल्कुल नहीं कहते, नहीं कह सकते। अधिगम के मायने हैं अभ्यास और अनुभव जनित व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम होगा, और साथ में वांछित व्यवहार, वांछित व्यवहार परिवर्तन। क्योंकि नशा और बीमारी और थकान के फलस्वरूप जैसे कोई व्यक्ति नशा कर ले और जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहूंगा, हमने वांछित व्यवहार परिवर्तन की बात की, तो वांछित शब्द को आप दर्शकों को जरा स्पष्ट कर दें। जी, वांछित, देखिए वांछित का मतलब डिजायर्ड बिहेवियर। जी, हम बच्चे से चाहते हैं, जैसे आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देकर के इसको मैं वांछित को बताती हूँ कि हम क्लासरूम में बच्चा बैठता है जी, कैसे भी बैठ जाता है, सीधा नहीं बैठता जी, लेकिन अगर हमें उसके बॉडी के उसके शारीरिक जो पोस्चर है उसको हमें सही रखना है, तो हम टीचर अगर सही बैठती है, बच्चे को सही बैठने के लिए सिखाती है, तो ये धीमे धीमे जो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठता था, झुक करके बैठता था, तो उसके ये वांछित मन जो एक सही व्यवहार है वो उसके परिवर्तन आया और उसने वो सीधा बैठना सीख लिया। आपने देखा होगा शुरुआत में बच्चे कलम कभी यूं पकड़ते हैं जी, कभी यूं पकड़ते हैं, बहुत आगे से पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको आता नहीं है पकड़ना, कभी या तो बहुत पीछे से पकड़ लेते हैं। लेकिन वांछित व्यवहार क्या कि जिस तरीके से सही तरीके से कलम को पकड़ा जाता है वो तरीका जब व्यवहार में आ जाता है, इसी को हम वांछित परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो एक अनुकूल व्यवहार है, जो एक समाज के मानकों के अनुसार व्यवहार है, वो वांछित व्यवहार है, वांछित व्यवहार कहते हैं। जैसे उसी के साथ साथ विशेषताओं से ही उसकी प्रकृति निकल करके आती है, जैसे आपने कहा कि हम अधिगम की प्रकृति की चर्चा करें। जी जी, तो अधिगम की प्रकृति से पहला उसका निकलता है कि व्यवहार का पूर्णतया अस्थायी रूपांतरण। पहले भी मैंने आपको हम लोगों ने चर्चा करी कि व्यवहार का नशा और बीमारी के कारण परिवर्तन नहीं, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम अधिगम कहलाता है जी। दूसरा, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम रुकता नहीं है कभी भी। अधिगम, हम ये कहें कि आज अधिगम हो गया तो अब हमारा कल अधिगम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तभी इसमें स्थायी परिवर्तन आएगा जी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य बात, महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। देखिए सर, ऐसा है कि जब तक व्यक्ति के सामने लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्कूल नहीं जाता, उसका कोई लक्ष्य अगर उसने अपना निर्धारित नहीं किया हुआ है जी, तो वो उस दिशा में कभी भी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर का, किसी एक बच्चे का, कितने भी उदाहरण अगर हम ले लें, हम क्लासरूम का ही उदाहरण लेते हैं, अगर एक बच्चे का कि अगर उसको ये लक्ष्य है कि उसको कक्षा में प्रथम आना है जी, तो वो उसी तरीके से उसी दिशा में अधिगम करने का प्रयास करेगा कि वो मुझे इतना पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकूं। तो अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, लक्ष्य को सामने रख करके हम अधिगम का काम करते हैं। और यदि लक्ष्य नहीं है तो अधिगम फिर ये तो अनौपचारिक रूप से हम सीखने को उसको कह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। तो फिर अधिगम तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि अधिगम प्रशिक्षण जरूरी है अधिगम में, तो इसीलिए अधिगम के सामने, अधिगम हासिल करने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अधिगम सुविचारित है, क्योंकि लक्ष्य है तो आवश्यक सी बात है कि सुविचारित है कि मेरे दिमाग में है, मेरे मस्तिष्क में है कि मुझे किस दिशा में कार्य आगे करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये सुविचारित है, लक्ष्य निर्धारित है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कि बच्चा आगे बढ़ता है। दूसरा, एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया से तात्पर्य है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। अगर हम बीच में ही अधिगम को रोक देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सक्रिय होता है क्योंकि सक्रिय है, लक्ष्य है, सक्रिय है, तभी हम अपने आप को हम एक आगे बढ़ा पाएंगे, गंतव्य तक सीख पाएंगे, ले जा पाएंगे, अपनी मंजिल तक जा पाएंगे, ले जा पाएंगे जी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है अधिगम का, कि अधिगम व्यक्तिवादी है। आपने कक्षा में देखा होगा हमारे जितने भी शिक्षक हैं ये महसूस करते हैं कि जो बच्चे होते हैं,
कुछ बच्चे क्लास में तो टीचर सबको एक ही तरीके से पढ़ाता है, एक ही विधि से पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चों का जो अधिगम का क्षमता है वो कम होती है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता हम अध्ययन करते हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही कहा जाता है कि अधिगम व्यक्तिवादी है। किसी के सीखने की क्षमता जल्दी होती है, किसी सीखने की क्षमता देर से होती है, कम से होती है देर से होती है। उसी तरीके से व्यक्ति अधिगम के साथ होता है कि व्यक्ति का जैसा मानसिक जितना विकास होगा उसी हिसाब से वो अधिगम को धारण करेगा। कुछ लोग होते हैं एक बार में ही सीख जाते हैं, उनको एक बार में समझाइए कोई भी सवाल करिए वो उस बात का जवाब दे पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि बार बार उनको एक ही चीज़ बतानी पड़ती है, इसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर उस बच्चे का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के मानसिक विकास के फलस्वरूप उसका अधिगम उस स्तर का हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। अधिगम जब तक वातावरण के साथ प्रक्रिया नहीं होती ना, तब तक अधिगम को हम जिसको कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरणी है, इसी तरीके से वातावरण के साथ परस्पर क्रिया ही अधिगम को बढ़ाती है। तो अधिगम की जो प्रकृति है वो ये है कि अधिगम स्थानांतरणी है। मतलब जैसे कि आप ये मानिए कि एक व्यक्ति ने ड्राइविंग सीखी, कार चलाना आ गया, उसने गाड़ी चलाना जब सीखा था तो उसने ऑल्टो में सीखा था जी, लेकिन ऑल्टो के बाद वो बुलेरो भी चला रहा है जी, वो जिप्सी भी चला रहा है जी। कैसे? उसने सीखा तो ऑल्टो में था ना, ऑल्टो में था, लेकिन चूंकि ये स्थानांतरणी है कि से उसी चीज को हम दूसरी जगह भी उसी परिस्थितियों में नहीं विभिन्न परिस्थितियों में हम लागू कर लेते हैं, तो वो हमारे जो इसकी एक विशेषता है, प्रकृति है, कि अधिगम जो होता है वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। कि हमने एक परिस्थिति में कुछ सीखा था लेकिन दूसरी परिस्थिति में जब हमने उसके साथ उसको फिर से अपने मस्तिष्क से उसको जोड़ा, उसके साथ उसका संबंध स्थापित किया, तो हमें पता चल गया कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति का अपने अपने वातावरण के साथ अलग अलग अनुभव होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जो अपने वातावरण के साथ क्रिया हुई वो सामने वाले की भी या आपकी भी वही क्रिया होगी। हर व्यक्ति की अपने वातावरण के साथ अलग क्रिया, अलग परिस्थिति के अनुरूप उसने क्रिया करी, उसका परिणाम हुआ। इसलिए अधिगम जो होता है हर व्यक्ति अपने अनुभवों से अपनी परिस्थितियों के अनुसार सीखता है। अतः ये सारी जो विशेषताएं बताई कि अधिगम एक सक्रिय है, अध्ययन सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिवादी है, अधिगम स्थानांतरणी है, अधिगम के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना जरूरी है, अधिगम तभी मजबूत होता है, तभी उसमें स्थायित्व आता है जब उसमें बार 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 अभ्यास किया जाए। अतः अधिगम जो है इस तरीके से हम उसको स्थाई बना सकते। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर दत्ता आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि अधिगम क्या है, इसकी विशेषताएं कितनी हैं, इसके प्रकार क्या हैं, कैसे अधिगम करते हैं, किसको हम अधिगम कह सकते हैं, कि प्रकृति क्या है, इन सब बातों पे आपने बहुत ही सुंदर चर्चा की और निश्चय ही इस चर्चा से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दत्ता, और हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।